सुना रहे, क्यूट है बच्चा, राउंड राउंड खेल रहा। तो इसे खेलने देते हैं एंड हम लोग अभी जिम जाते हैं, इसको चेंज करते हैं, उसके बाद जिम में मिलते हैं। आज बैक है, बैक और बाइसेप है, तो करते हैं मस्त ट्रेन बाइसेप एकदम। बाइसेप को अभी 14 इंची है, 14 इंची है, महीनों से चले जा रहे, बढ़ाना पड़ेगा। तो फटीक करेंगे आज बाइसेप को, ताकि थोड़ा फिर खाना भी खाएंगे ताकि बाइसेप बढ़ जाए। तो यही है कुछ प्लान, तो निकलते हैं एंड उसके बाद मिलते हैं आप जिम में। तो मेरे को बाहर निकल के पता चला कि मैंने व्लॉग की इंट्रो ही नहीं दी है। तो अभी दे देते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, एंड कैसे हो आप सब। एंड अभी जा रहे हैं जिम, जैसे बोला था, 3 फुल लेग का ऑमलेट खा के वी आर गोइंग टू जिम। उसके बाद आके लंच करेंगे एंड उसके बाद काम करने बैठेंगे। देखते हैं आज क्या क्या काम करते हैं। तो दिमाग में 2-3 टास्क है, मतलब मेरे को कोड वे समझना है, तो वही वाली चीज़ है। तो मेरे को कल तक या परसों तक लाइक कोड बेस को समझ जाना है, बिकॉज ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है एंड अच्छा खासा टाइम देना भी है। मतलब ज़्यादा टाइम दे के चीज़ को समझ लो कम दिनों में, तो यही मेरी स्ट्रैटेजी है फिलहाल। एंड समझते हैं, पहले जिम करते हैं उसके बाद ही सब कुछ करेंगे। कॉफ़ी पी लिया एकदम स्ट्रॉन्ग, करें कॉफ़ी विदाउट शुगर, ताकि ग्लूकोज लेवल डाउन ना हो जाए फटक से स्पाइक करके। तो यही सीन है। आज मौसम काफ़ी अच्छा है, नहीं पता ये कैसा है। टेम्परेचर 19 है अभी, तो प्लेजेंट है, काफ़ी प्लेजेंट है, मतलब कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो यार क्या पता कल क्या हो, किसी को नहीं पता। इधर मौसम आदमी की लाइफ की तरह है, कल को क्या हो जाए नहीं पता किसी को, प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। ये देखो कॉलेज में, कॉलेज पार्किंग में बीस्ट खड़ा हुआ है यार। एम की बैजिंग है भाई, मस्त लग रही है। इंडिया में तो मैंने आज तक नहीं देखी भाई, देखो एम की बैजिंग क्या मस्त लग रही है भाई। ये गाड़ी वन ऑफ द बेस्ट है, लाइक M4 इज़ वन ऑफ द ग्रेट कार, लाइक मतलब BMW लाइनअप में, लाइक मतलब टू गुड। लाइक M5 के अगर नीचे कुछ है तो M4 है यार, काफ़ी मस्त गाड़ी है। लाइक बट M340i इज़ ऑल्सो गुड, लाइक दोनों का बहुत टक्कर है दोनों में। एंड M340i है एंड ये M430i है, तो भाई ये M4 भाई गजब है। और इसका जो सामने का जो लुक देख दिखाया ना, वो पहले तो ऐसा नहीं था, लाइक पहले इट वाज डिफरेंट एंड फिर लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया था इस लुक को लेके, बट आफ्टर द ओन द कार ना चीज़ें पलट गई। लोगों को यही ग्रिल पसंद आने लगा एंड बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव था ये ग्रिल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। मेरे को ना पर्सनली स्कॉडा का ग्रिल इतना पसंद नहीं आता, कार ही तो बहुत अच्छे है, बट मेरे को पर्सनली ग्रिल अच्छा नहीं लगता था। बट इसका M4 का ग्रिल मेरे को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, मतलब BMW में बहुत ज़्यादा यूनिक है ये वाला। लग तो रहा है मेंटेनेंस चल रही है, सही है यार, कहीं गिर ना जाइए किसी के ऊपर। मस्त ट्रेन हुआ है बैक, मतलब हो रहा है तो भी बाकी है, तो वही।
वर्कआउट हो गया खत्म, अभी पानी भर लेते हैं इसमें, पोस्ट वर्कआउट बना लेते हैं। आज मस्त वर्कआउट हुआ, बैक रियली पम्प्ड है, इंस्टाग्राम में देखना। इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, मैं हैंडल डिस्क्रिप्शन में रहता है मेरा, जाके फॉलो कर लो, उधर जिम के कंटेंट डालता हूँ मैं। तो आज प्लान ऑफ एक्शन ये है कि आज मस्त खर्चा होने वाला है, मेरा नहीं हमारे दोस्तों का, वेट करते रहो, बोलता हूँ मैं, आगे व्लॉग में दिख जाएगा कि किस चीज़ के ऊपर वो लोग पैसा खर्च रहे। बहुत गेस करना बहुत इजी है, लाइक थंबनेल या टाइटल में तो मैं डाल ही दूंगा, पर हाँ वही हुआ। सामने कितना सुंदर लग रहा है, मैं भी जा रहा हूँ ब्रेंटवुड स्टेशन, बस का वेट कर रहा हूँ ना लिया, एंड अभी जा रहे हैं ब्रेंटवुड स्टेशन, उधर से जाएंगे चिनूक, तो जस्ट प्रेपिंग अप। अभी लोग आते आते मैं रोडीज देख रहा था, तो मस्त मज़ा आया ये वाला टास्क में, लाइक प्रिंस गैंग जीत गई एंड शीवी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, शीवी भाई ने, तो मज़ा आ गया देख के। एंड तो अभी जा रहे हैं शिनू, तो ये तो आईफोन 13 या 14 खरीदेगा, तो डिसाइड कर कौन सा लेगा। 13 सही है यार, मतलब मेरे को बस बैटरी चेंज करना है, बाकी तो सही है बस, और आईफोन का बस बैटरी का इशू रहता है, मतलब नॉन प्रो मॉडल्स में, प्रो मॉडल्स में अच्छा रहता है, तो वही एक सही। Louis Vuitton, Armani, Apple Store का क्रेज इज वेरी मच। तो भाई को तो 15 प्रो मिला नहीं, तो अभी इधर ही ऑर्डर प्लेस करेगा, और ये तो टू क्यू कौन सा 13 लेगा ये, तो स्टोर में देखते हैं अवेलेबल हुआ कि नहीं, अगर होगा तो लेगा। आईफोन 15 के सारे लाइनअप्स इधर है, प्रो मैक्स, प्रो प्लस, 15, एंड सारे फीचर्स भी लिखे हुए हैं, प्राइसिंग भी है, मतलब मेरे को फ़ोन अच्छा लगा, लाइक इट्स गुड, लाइक 15 प्रो इज गुड, लाइक पीछे मटेरियल थोड़ा वो है, एंड कैमरा लाइक रियली गुड, लाइक मेरे को ऐसा लग रहा है, सेंसर्स काफ़ी इम्प्रूव किए होंगे। कैमरा इज गुड मैन, एंड जो फील है चलाने का वो इट्स गुड, इट्स गुड। तो मेरे को मन था कि प्रो में अपग्रेड करूँ, बट अभी नहीं, बाद में 16 या 17 में आई विल अपग्रेड, बस अभी मेरा मस्त चल रहा है, मैं बस खाली बैटरी रिप्लेस करूँगा एंड इट विल वर्क फाइन, सो या यही सीन है। तो फ़ोन का तो नहीं हुआ क्योंकि दिखा रहा है एक महीने बाद आएगा फ़ोन, तो अभी तो जा रहे हैं नाइकी में, थोड़ा तो जॉर्डन वॉर्डन देखते हैं, खाली हाथ थोड़ी ना जाएंगे। और कितना बड़ा और कितना मस्त स्टोर है यार, काफ़ी बड़ा स्टोर है भाई, भाई फैक्ट्री आउटलेट स्टोर से तो ये ज़्यादा बड़ा दिख रहा है मेरे को, भाई काफ़ी सही है। कमेंट करके बताओ मेरा भाई कैसा लग रहा है। जॉर्डन्स, मेरे को ये जूता बहुत पसंद आया, जॉर्डन 1 लो, तो मैं सोच रहा हूँ ले लूँ, तो भाई मैं टेम्पटेशन पकड़ नहीं पाया। ले लिया भाई जॉर्डन्स लो, और एक कलेक्शन ऐड हो गया भाई, मज़ा आ गया, कोई बात नहीं, मम्मी पापा से पक्का झाड़ खाऊंगा मैं, ठीक है, कि क्या ज़रूरत थी लेने की, खुशी मिल गई थोड़ी बहुत, लिंदो यार क्या दिक्कत है, एक ही ज़िंदगी है यार, और कुछ नहीं लूँगा मैं, ठीक है फाइनल है, और मैं जूता अभी लूँगा ही नहीं, ठीक है, अगर कुछ ओजी ना निकले तो वही बात है, तो मैं खुश हूँ यार, बहुत बहुत हैप्पी हैप्पीनेस मिलती है यार, और वो भी मस्त लगता है ना, एप्पल पे से ऐसे टक करके पे करते हो आप, तो वो एक सही लगता है। ये $50 का है और ये 50% ऑफ भी है, तो $25 में इट्स अ गुड डील लग रहा है, मतलब अब लेयरिंग में अगर पहनोगे तो अच्छा लग रहा है, देखो चेस्ट के मसल्स समझ आ रहा है यार। तो वही बात है, सोच रहा हूँ लुक ही नहीं लू, एक बार थोड़ा वो रिएक्शन, मतलब थोड़ा ओपिनियन ले लेता हूँ बाकी सबका, तो श्रुति से तो बोला अच्छा लग रहा है, तो सोच रहा हूँ ले लूँ, बस ऐसे चीज़ें मेरे को पसंद है, ऐसे टाइप की चीज़ें। तो जो स्वेटर था वो 50% जो ऑफ था वो था नहीं, एक्चुअली पैंट में ऑफ था, तो मैंने लिया नहीं, मैं बोला फक इट छोड़ो नहीं लेंगे, सिर्फ एक हुडी लेना था क्योंकि जिम में मैं जो वाइट हुडी पहन के जाता हूँ ना वो फालतू का गंदा हो रहा था, वो मैं नॉर्मली पहनूंगा, और मैं लाइक जो ये वाला जो हुडी खरीदा है थोड़ा सस्ते में मिल गया है वो मैं खरीदूंगा, लाइक वो मैं पहनूंगा, लाइक
जिम में, एंड चेन वाला भी है तो खोलने में भी दिक्कत नहीं होती है। भाई अभी जा रहे हैं, मैं तो घर जा रहा हूँ चीज़ लेके, ये लोग खाने वाने जाएंगे इंडियन रेस्टोरेंट में, और मैं चलता हूँ घर। मेरा हो गया डन, आई एम डन फॉर द डे। तो जाकर थोड़ा काम करके वीडियो एडिट करके सो जाएंगे एकदम। कुछ तो हुआ है भाई इधर, कैड़ा सा चीज पर पता नहीं चल रहा है। 8 नंबर बस पकड़नी है मेरे को, इधर से चलते हैं। सही वाला बस मिल चुका है, घर जा रहा है, पर जाते ही खाना बनाएंगे और वीडियो एडिट भी करनी है पिछले व्लॉग का। आज भी ये वाले एडिट करके सुबह निकल सकते हैं, कल कहीं पे जाएंगे नहीं, कल घर पे रहेंगे एकदम मस्त, काम वाम करेंगे और जिम जाएंगे बस, कल लेते हैं। मॉल में तो एक बार दिखाया था, पर एक बार जूते को अच्छे से अनबॉक्स कर लेते हैं, एक बार देखते हैं अच्छे से, खूबसूरती नहीं निहारते हैं जूते का। तो ये रहा जूता, तो ये है एयर जॉर्डन 1 लो, ठीक है, और अभी इसको खोलते हैं। ये मेरा तो US 9 है, UK 8, तो कोई भी अगर मेरे को जूता भेजना चाहता नाइकी के, तो ये रहा मेरा साइज़, प्लीज़ सेंड मी, ओके आई विल बी वेरी हैप्पी। मजाक कर पता कर। तो ये रहा बक्सा मेरा, दूसरा जॉर्डन में यही सेम ही बक्सा में आया था, बक्सा चेंज होता रहता है कभी कभी। बट यार क्या जूता लग रहा है यार, क्या जूता है यार, क्या जूता है, इसमें अगर मैंने व्हाइट लेसेस या रेड लेसेस लगा लिए ना तो और बढ़िया लगेंगे। क्या लग रहा है, एक्स्ट्रा लेस देना चाहिए था उन लोग को। हम इसको रख देते हैं एंड जल्दी जाके खाना बनाते हैं, भूख भी बहुत लगी है क्योंकि जूता खाना बना के नहीं देगा। एक बीटी हो गया है, मैं आलू खाना भूल गया हूँ, तो मेरे पास चिकन बेकन ये सब तो है, एंड मेरे पास वो टैको भी पड़ा हुआ है, वो खा लूँगा मैं। दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत है कि मेरे पास कार्ड से तो नहीं है, कल जाके मेरे को लाना पड़ेगा, एंड कल का दिन भी बहुत हेक्टिक है, कल फिर जल्दी उठना पड़ेगा। मैं बैठ गया सोचने के लिए क्या बनाऊँ। ठीक है चिकन रैप बना ले, तो बेटर रहेगा, चिकन रैप विल भी बेटर, चिकन रैप बना ले सो जाओ। तो डिनर हो चुका है कंप्लीट, डिनर मस्त था यार, 3 रैप बनाए थे खा लिए, एंड मस्त था। लाइक मैंने क्या किया था, चिकन को मैरिनेट किया था, तोर्तिया जो था उसको थोड़ा गर्म किया, जो कि एक्चुअली नहीं करना पड़ता है इन केस ऑफ रैप, बट मैंने किया था, ठीक है, ताकि मेरे को कच्चा कच्चा ना खाना पड़े। तो मैंने पहले चिकन को फ्राई किया, चिकन को फ्राई करने के बाद, ये वाला एंगल अच्छा है, चिकन को फ्राई करने के बाद मैंने क्या किया, तोर्तिया के ऊपर चिकन को रखा, देन मैंने पीसेस किए थे टोमेटोज एंड अनियंस के, ठीक है, स्लाइस मतलब स्मॉल पीसेस करके उसके ऊपर डाल दिया एंड सॉस डाल दिया थोड़ा, ठीक है। तो मैंने यूज़ किया था चिली मेयो सॉस और टोमेटो सॉस, उसको ऐसे करके रैप करके 3 ऐसे बनाए थे, खा लिए, मस्त पेट भर गया। मिडनाइट स्नैकिंग भी चलेगी थोड़ी, वेफर्स और वेफर भी चलेगा, वेफर्स और एक ओरियो बिस्किट खा लेंगे, ठीक है। नहीं पता ऐप्स कैसे आएंगे, नहीं पता मेरे को। तो जो भी हो, तो आज का व्लॉग यही एंड करते हैं। आप आई होप आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड दोस्तों को शेयर करो। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अगले व्लॉग तो मंडे का होगा, तो मंडे हम लोग जल्दी जल्दी उठेंगे, कल मैं निकलूँगा ही नहीं, मैं शपथ लिया कल मैं निकलूँगा नहीं, कल मैं जल्दी डिनर बना के सो जाऊँगा, ठीक है, ताकि रूटीन ठीक करना पड़ेगा हमें, मतलब रूटीन ठीक ही है, मैं रात को ही सोता हूँ, बट स्टिल और आगे सोएंगे एंड जल्दी उठेंगे, तो वही गोल है हम लोग का एंड यही सीन है। तो विंटर आने के पहले बढ़िया बॉडी बॉडी बना लेते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बहुत बार बोल दिया मैंने, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।